नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोरेन, रमेश oraon। तो स्वागत है आप सभी का और एक न्यू वीडियो के साथ फिटनेस फॉर एवर यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो होने वाला है हैंडस्टैंड के बारे में। आज हम आपको सिखाएंगे हैंडस्टैंड कैसे किया जाता है। हैंडस्टैंड के लिए सबसे जरूरी आपका पुशअप से शुरू होता है। अगर आपसे 15 से 20 पुशअप इजीली हो पाता है, दैट मीन्स आप रेडी हो हैंडस्टैंड के लिए। अगर आपसे पुशअप नहीं हो पाता तो आपको फोकस करना होगा पुशअप पर, क्योंकि पुशअप से आपका बेसिक स्टैंड डेवलप होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि पुशअप को सही और इजी मेथड में कैसे करना है। हैंडस्टैंड के लिए सेकेंड स्टेप है आपका बैक पुशअप। बैक पुशअप बेसिकली आपका शोल्डर स्टैंड बनाने के लिए है, क्योंकि हैंडस्टैंड में सबसे ज़्यादा यूज आपका शोल्डर के ही होने वाला है। सो बैक पुशअप करने के लिए आपको बेसिकली ऐसे किसी ऊंची जगह सपोर्ट ले सकते हैं या फिर आप बेंच के सपोर्ट ले सकते हैं। फिर आपको दोनों हाथों को जमीन पर रखना है, तो इस तरह जैसे हमने पुशअप के टाइम बताया था। फिर अपने लेग को इसके ऊपर और अपने लेग के साथ और बॉडी के साथ बिल्कुल एल शेप बनाना है, 90 डिग्री एंगल बिल्कुल इस तरह। और यहाँ से आपको पुशअप करना है स्लोली स्लोली। ये पुशअप आपका 10-12 रेप से होना चाहिए। बस तो हैंडस्टैंड के लिए थर्ड स्टेप है आपका प्रो स्टैंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैंडस्टैंड के लिए, क्योंकि प्रो स्टैंड से आपका बॉडी कंट्रोल और बॉडी बैलेंस के लिए मदद मिलता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रो स्टैंड कैसे किया जाता है। प्रो स्टैंड करने टाइम आपको दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, फिर नी को एल्बो और ट्राइसेप के बीच में रखना है। ये इस तरह से रखना है आपको कि धीरे धीरे आपको एक पैर को उठाना है, फिर धीरे धीरे आपको दोनों पैर को उठाना है। यही पोजीशन में आपको 10 से 12 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगर आपसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप इजीली और कंफर्टेबली हो जाता है तो आपको मूव ऑन करना चाहिए लास्ट स्टेप पर, क्योंकि आप रेडी हो चुके हो कम्प्लीटली हैंडस्टैंड के लिए। तो आइए अब हम आपको बताते हैं लास्ट स्टेप कैसे करना है। लास्ट स्टेप है आपका वॉल स्टैंड। वॉल स्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है वॉल से, और यहाँ से आपको एक पैर से किक करके वॉल का सपोर्ट लेना है, और ये आपको एक मिनट तक होल्ड करना है। और आपको ये ध्यान रहे कि जब आप वॉल स्टैंड करेंगे तो आपकी बॉडी ये बनाना शेप में नहीं होनी चाहिए, आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए जब आप वॉल स्टैंड करेंगे। और जब आपसे वॉल में एक मिनट तक होल्ड हो जाता है तो आपको स्लोली स्लोली एक पैर को वॉल से हटाना है, फिर दूसरे पैर को भी, और यहाँ आपको हैंडस्टैंड होल्ड कर लेना है जैसा मैंने कर लिया है अभी। आपसे वॉल स्टैंड अच्छे से और कॉन्फिडेंस साथ हो जाता है तब आपको वैसे प्लेन सरफेस से ट्राई करना चाहिए जैसे हम लोगों ने कर रहे हैं अभी। 5, 6, 7, 8 तो आई होप ये वीडियो आपका हैंडस्टैंड के लिए हेल्पफुल हो।
इस वीडियो को देख के आप 2 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आपको रिजल्ट देखने जरूर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।